गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह सूर्यदेव का खूबसूरत सा नज़ारा। और फ्रेंड्स, आज से ये कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष है, आज है चतुर्थी तिथि और आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई। तो आज है फ्रेंड्स नहाए खाए। नहाए खाए में क्या होता है कि आप नहा के साफ़ सुथरा होके और बिल्कुल शुद्ध भोजन करते हैं, जो भी व्रती महिलाएँ होती हैं वो, और घर के सभी सदस्य शुद्ध भोजन करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और कल यानी कि पंचमी तिथि को होगी खरना का। खरना में क्या होता है कि दिन भर व्रत रख के जो व्रती होती हैं वो रोटी खीर बना करके और साथ में केले का प्रसाद भगवान को प्रसाद चढ़ाती हैं। केले के पत्ते के ऊपर जितना अर्घ होता है उतनी जगह पे प्रसाद चढ़ाती हैं। उसके बाद गुड़हल का फूल और धूप वगैरह जला करके फिर भगवान को प्रणाम करती हैं, पहले खुद खाती हैं फिर सबको प्रसाद स्वरूप बांटती हैं। और फ्रेंड्स फिर जो षष्ठी तिथि को शाम का अर्घ होता है भगवान का, जिसमें कि ठेकुआ मेन प्रसाद होता है और साथ ही जितने भी तरह के फल होते हैं वो सारे फल चढ़ाए जाते हैं, जो भी ऋतु फल होते हैं वो सारे चढ़ाए जाते हैं, भगवान को अर्घ दिए जाते हैं सूप में डाल के। जैसे जो मान्यताएं होती हैं जिन्होंने माना होता है, कुछ लोगों ने सूप में दिया होता है, कुछ अपने आंचल में करके, ऐसे करके सारे फल को भगवान को अर्घ देते हैं। और उसके बाद सुबह की पूजा होती है। सप्तमी तिथि को सुबह का अर्घ होता है, जिसमें महिलाएं पहले से खड़ी होती हैं सूर्यदेव के इंतजार में और पानी में खड़े होकर के फिर सूर्यदेव का इंतजार करती हैं। जब सूर्योदय होता है तो फिर से वही ठेकुआ और सारे ऋतु फल जो होते हैं, जो सजे हुए होते हैं, उन सबको सबसे भगवान को अर्घ देती हैं। जो जेंट्स लोग होते हैं वो थोड़ा दूध चढ़ाते हैं, कुछ महिलाएँ भी चढ़ाती हैं दूध, जो सूप या जो भी आंचल होता है उसके आगे थोड़ा सा। और इस तरह से व्रत को पूरा करके फिर उस दिन जो व्रती होती हैं वो पारण करती हैं, जिसे पारण का दिन कहा जाता है। तो इस तरह से जो छठ का पर्व होता है वो 4 दिन का और बहुत ही आस्था और विश्वास का भी पर्व होता है और बहुत ही सफाई से इस पर्व को किया जाता है। हम लोगों के यहाँ मतलब बिहार में तो ये पर्व सबसे बड़ा हम लोग मानते हैं कि बाहर जो भी लोग घर से बाहर भी होते हैं, अगर ऐसी कोई मजबूरी ना हो तो चाहे जितना भी दूर हो वो अवश्य आते हैं, एक बार को छठ पूजा में अवश्य आते हैं घर। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।